आज सुबह सुबह में जब मैसेज आता है कि इस गाड़ी का पेट्रोल लीकेज हो रहा है, तो मैं चला आता हूँ इस गाड़ी को देखने के लिए कि इसका पेट्रोल कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो फिर मैं देखता हूँ कि इस गाड़ी के कार्बोरेटर के ड्रेन स्क्रू से पेट्रोल लीकेज हो रहा है। तो फिर मैं गाड़ी का पेट्रोल चेक करके चला जाता हूँ स्क्रू ड्राइवर लाने के लिए, और स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद इसके ड्रेन बोल्ट के स्क्रू को लूज करके थोड़ा सा पेट्रोल निकाल देता हूँ और फिर स्क्रू टाइट कर देता हूँ। और कभी कभी ऐसा करने से कार्बोरेटर के ड्रेन स्क्रू से पेट्रोल निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के कार्बोरेटर में कभी कभी कचरा आने के कारण गाड़ी ओवरफ्लो हो जाता है। और हमने जो अभी इस गाड़ी का कार्बोरेटर ड्रेन किया था, उससे कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि गाड़ी का कार्बोरेटर फिर से लीकेज होने लगा। और इसे ठीक करने के लिए हमें इस गाड़ी का कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी का कार्बोरेटर खोल लेते और कार्बोरेटर को अच्छे से ऊपर से क्लीन करके और कार्बोरेटर को खोल लिया जाता और कार्बोरेटर को अच्छे से अंदर से क्लीन करके कार्बोरेटर को फिर जोड़ दिया जाता है। और कार्बोरेटर को गाड़ी में लगाने के बाद चेक किया जाता है कि गाड़ी का कार्बोरेटर फिर से लीकेज हो रहा है कि नहीं, और फिर गाड़ी को चालू किया जाता है और गाड़ी के कार्बोरेटर